नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24x7। इस वक्त हम मौजूद है छिबरामऊ में। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर क्या रणनीति है प्रदेश सरकार की और कांग्रेस की, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता विनोद कुमार दुबे जी मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर छिबरामऊ में कांग्रेस का क्या रुझान है। कैसा लगता है आपको कि विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या इस बार चुनाव जीत पाएगी? अरे, पूरे प्रदेश में तो कांग्रेस बढ़ेगी, लेकिन कन्नौज, जिसे कमज़ोर समझा जा रहा था, उसके लिए जब हम कांग्रेस 32 साल से सत्ता में नहीं, तब हमको 20 दिन पहले टिकट दिया जा रहा, क्या मतलब हुआ इसका? भाई, जब हम 32 साल से सत्ता में नहीं तो हम 20 दिन में चुनाव लड़ लेंगे? इसलिए हमने अपने आप को विड्रा कर लिया। आगे शेष जो भी प्रत्याशी इस समय मौजूदा है, वो अपने को बाईपास से चुनाव लड़ रहा है। मेरी समझ में तो यहाँ की सीट गई। यानी कि आपको टिकट दे रही थी पार्टी, आपने टिकट नहीं लिया, यानी कि क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा हो कि हार का सामना करना। भाई, 20 दिन में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। जब 32 साल से हम सत्ता में नहीं, तो 20 दिन में कैसे चुनाव लड़ लेंगे? तो दूसरे प्रत्याशी को जो टिकट मिला है, उसकी संभावना ये है कि वो हार जाएंगे। वो जाने वो किस हिसाब से लड़ रहे, हमें तो वो लगता है कि वो बाईपास से चुनाव लड़ रहे। यानी कि वो शहर के अंदर नहीं आते? शहर के अंदर उनकी हिम्मत ही नहीं बीजेपी के आगे जो आ जाए। वो आज तक उनकी हिम्मत नहीं हुई कभी। ये छिबरामऊ में 20 साल से कांग्रेस को मैं ही चला रहा हूँ। नहीं, हम भी जब लखनऊ से निकले थे, लखनऊ के बाद इटावा, मैनपुरी, तमाम जगह, तो आप ही का नाम लिस्ट में दिया गया था। फिर ऐसा कैसे है कि मान लीजिए प्रत्याशी वो हैं और नाम आपका है? हाँ, तो वो जैसे भी हुआ हो, यहाँ तो कन्नौज कांग्रेस में दलाल लोग ज़्यादा हैं। उन दलाल क्या किया और क्या उनका समझौता है, वो जाने। चूँकि हमें टिकट इसलिए नहीं लेनी थी कि 20 दिन में चुनाव लड़ नहीं सकते थे, इसलिए हमने टिकट के लिए बिल्कुल सरेंडर कर दिया अपने आप। अच्छा दुबे जी, एक चीज़ बताइए, कांग्रेस पार्टी में क्या प्रियंका के आने से दम आई है? बहुत बड़ी दम, लेकिन यही टिकट अगर दो दो तीन तीन महीने पहले दिए गए होते तो हम वास्तव में सत्ता में आ सकते थे। कांग्रेस कभी कमज़ोर नहीं थी, ना आज कमज़ोर है। केवल यही है कि हमें अपनी तैयारी समय से कर लेनी चाहिए थी। अच्छा, विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी? और महंगाई तो है ही फिलहाल, जब तक अभी ये चुनाव है मार्च तक, तब तक ये जो भी दे रहे हैं राशन पानी वगैरह, ये तभी तक है। और 1000 पेंशन और ये जो भी वादे कर रहे हैं, ये केवल वादे तभी तक हैं जब तक चुनाव है। इसके बाद तो फिर वही गत होनी है जो पहले थी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा अखिलेश और शिवपाल के सामने प्रत्याशी नहीं उतारा गया, इसको आप क्या किस नज़रिए से देखेंगे और जनता को क्या देंगे? देखो,